हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स, चैप्टर फर्स्ट, मैथमेटिक्स। फर्स्ट चैप्टर नेम, नोइंग आवर नंबर्स। चैप्टर फर्स्ट में नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। जो फर्स्ट डेफिनेशन इसमें नोट है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? द काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4 ...... इनफाइनाइट और कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी सभी नंबर जो 1 से लेकर के स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, उन सभी नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी जो हमारी काउंटिंग होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ...... इनफाइनाइट, ये सभी नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर। नेक्स्ट हेडिंग है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? यदि हम नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लें, यानी द नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। यदि नेचुरल नंबर में हम जीरो को ऐड कर लें तो हमारा जो नंबर बनेंगे वो होल नंबर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम नंबर्स को कैसे नोट करते हैं, कहाँ कॉमा के यूज करते हैं और कैसे उनको नोट करेंगे। तो इसमें पहले हम जानते हैं वंस। वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़, ये नंबर होते हैं, इनके अकॉर्डिंग हम नोट करते हैं। तो वंस में क्या क्या नंबर होता है हमारा? वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस। नेक्स्ट थाउजेंड्स में नंबर क्या क्या होता है? थाउजेंड, 10,000। लैक में लैक एंड 10 लैक। करोड़ में करोड़ एंड 10 करोड़। ये तो होता है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट जो हमारी बुक में लिखा हुआ है। जो बुक है हमारी बीवा पब्लिकेशन की है, सभी बुक सभी बच्चे देख सकते हैं बुक में, ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट आपके बुक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है उसमें वंस में नंबर क्या क्या नोट करते हैं? वंस प्लेस पर आता है 1, टेंस प्लेस पर 10, हंड्रेड प्लेस पर 100। नेक्स्ट थाउजेंड, तो उसमें नोट करते हैं 1,000, 10,000 एंड 100,000। उसमें थ्री नंबर्स में 1,000 में होते हैं, मिलियंस में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो आफ्टर थ्री नंबर यहाँ पर हम कॉमा यूज करते हैं। इसके बाद बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन। तो आफ्टर थ्री नंबर यहाँ पर भी हम कॉमा यूज करते हैं। तो देखेंगे हम कि इस प्रकार से नंबर को इंटरनेशनल और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग नोट करते हैं।